ऑफ यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल जबरदस्त है। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और इन्हें हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 19. If in a nuclear fusion process, the masses of the fusing nuclei be M1 and M2 and the mass of the resultant nucleus be M3, then, अच्छा, अब जैसे दो nuclei fuse होके एक nuclei बना रहा है, जैसे कि M1 और M2 मिल के बना रहा है M3, तो normally क्या होता है, इस process में कुछ mass जो है वो energy की तरह loss हो जाता है और उस mass को हम कहते हैं mass defect। तो इस तरह के केसेस में हमेशा ऐसा मिला पाया गया है कि जो M3 होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है M1 प्लस M2 से। तो इस केस में हमेशा ही ऐसा होता है कि जो मास बड़े वाले चीज़ का जो मास होता है, जैसे मान लो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो हमेशा कम होगा सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से। तो इस केस में सही ऑप्शन होगा सी। Question number 20. When a deuterium is bombarded on oxygen 16 nucleus, an alpha particle is emitted. Then the product nucleus is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन 18 न्यूक्लियस है जिसको हमने बॉम्बार्ड किया है, किससे? ड्यूटेरियम से। ड्यूटेरियम इज हैवी हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 2 है, ये है ड्यूटेरियम। तो जब हम इससे बॉम्बार्ड करते हैं तो क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, एक ये निकलता है और उसके साथ एक और प्रोडक्ट न्यूक्लियस निकलता है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर अभी हमें पता नहीं है। तो हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस क्या है। तो अगर हमें एटॉमिक नंबर मास नंबर पता चल जाएगा तो हम आराम से बता देंगे कि ये क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर से हम क्या कह सकते हैं कि 8 प्लस 1 बराबर होना चाहिए किसके, Z प्लस 2 के। तो Z क्या होगा, 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो एटॉमिक नंबर होगा 7। ठीक उसी तरह से अगर हम यूज़ करें कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 16 प्लस 2 बराबर होना चाहिए a प्लस 4 के, तो यानी कि a होना चाहिए 18 माइनस 4 यानी कि 14। तो ये जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस है ये एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है, और ऐसा एलिमेंट कौन होगा, ऐसा एलिमेंट होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। इन कंपाउंड एक्स एन कॉमा अल्फा लिथियम द एलिमेंट एक्स इज, अच्छा यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका क्या मतलब है, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ये जो कंपाउंड एक्स है इसको हमने बॉम्बार्ड किया है न्यूट्रॉन से और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। तो इसका बेसिकली मतलब कुछ यूँ है कि ये जो एलिमेंट एक्स है इसको हमने बॉम्बार्ड किया है एक न्यूट्रॉन से और उसके बाद लिथियम हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस है और लिथियम के साथ एक अल्फा पार्टिकल भी निकला है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें निकालना है कि ये एलिमेंट एक्स क्या है। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर से हम कह सकते हैं जेड प्लस जीरो इज इक्वल टू 3 प्लस 2, तो जेड क्या हो जाएगा 5। ठीक उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर से हम कह सकते हैं ए प्लस 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 4, तो ए हो जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज 10। तो यानी कि ये जो न्यूक्लियस है इसका एटॉमिक नंबर है 5 और मास नंबर है 10। तो एटॉमिक नंबर 5 वाला एलिमेंट क्या होता है, बोरॉन। तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 22। ए न्यूक्लियर डीके इज एक्सप्रेस्ड एज
इस इक्वेशन की तरह, देन द अननोन पार्टिकल एक्स इज, तो यहाँ पे एक्स क्या है, तो यहाँ भी हम वही चीज़ करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर और कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो पहले एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं 6 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1। अच्छा, ये बीटा पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है प्लस 1 और मास होता है 0, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस, हमें इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता नहीं है, तो हम इसको z मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से z जो है वो 0 है, यानी कि इस अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो 0 है। मास नंबर को देखते हैं, मास नंबर के हिसाब से 11 इज इक्वल टू 11 प्लस 0 प्लस 8, तो इसके हिसाब से मास नंबर भी 0 है। तो कौन सा वो पार्टिकल होता है जिसका चार्ज और मास दोनों ही 0 होता है, ये या तो न्यूट्रिनो होगा नहीं तो एंटी न्यूट्रिनो होगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या होगा इसमें, हमें ये पता है कि जब भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी कि पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा न्यूट्रिनो निकलता है और इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकल रहा है, तो इसीलिए इसके साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 23, द काउंट रेट ऑफ अ गीगर म्यूलर काउंटर फॉर द रेडिएशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 30 मिनट्स डिक्रीजेस टू 5 पर सेकेंड आफ्टर 2 आवर्स, द इनिशियल काउंट रेट वॉज। तो इस केस में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस मटीरियल का जो हाफ लाइफ है वो है 30 मिनट्स, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2 आवर्स में जो इसका काउंट है वो रिड्यूस हो गया, मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 आवर्स मतलब कितना हाफ लाइफ। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स अगर कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 हाफ लाइफ को, तो फिर 2 आवर्स वुड कॉरेस्पॉन्ड टू कितना हाफ लाइफ, 2 आवर्स मतलब 120 मिनट्स, 2 इंटू 60 मिनट्स, राइट। तो 120 मिनट्स मतलब कितना हाफ लाइफ हो जाएगा, 1 by 30 into 120, तो यानी कि दिस वुड मीन 4 हाफ लाइफ्स, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 to the power n, तो n हाफ लाइफ्स यानी कि 4 हाफ लाइफ्स में जो n है, n की वैल्यू क्या हो गई है, 5 पर सेकेंड, तो n की वैल्यू 5 हो गई है, इनिशियल वैल्यू कितनी थी वो हमें पता नहीं, बट ऐसा हुआ है 4 हाफ लाइफ्स में, तो इससे हम निकाल सकते हैं n नॉट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/16, तो n नॉट हो जाएगा 5 into 16 यानी कि 80 पर सेकेंड, तो ये इनिशियल काउंट था, तो इनिशियल काउंट रेट था 80 पर सेकेंड और अब का काउंट रेट हो गया है 5 पर सेकेंड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर रेस्पेक्टिवली 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लिथियम की दी हुई है और हीलियम की दी हुई है, लेकिन ये पर न्यूक्लियॉन दी हुई है ना, तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो पूरे लिथियम न्यूक्लियस की, तो कितनी हो जाएगी, इसमें टोटल 7 न्यूक्लियॉन है, तो 7 into बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, दैट इज 7 into 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पूरे लिथियम न्यूक्लियस का, ठीक है। ठीक उसी तरह से अब हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो पूरे हीलियम न्यूक्लियस की, तो कितना हो जाएगा, 4 into 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में 2 हीलियम न्यूक्लियस हैं, तो इसको हम फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 56.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। तो अब अगर हमें एनर्जी निकालनी हो प्रोटॉन की, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, जो हीलियम का टोटल बाइंडिंग एनर्जी है माइनस जो लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी है, यानी कि 56.48 माइनस 39.20 यानी कि 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 25। इफ द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स एंड बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय एफपीपी एफएनएन एफपीएन देन, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी याद करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। न्यूक्लियर फोर्स को फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक्ट कर रहा है, दो नेगेटिव चार्ज के बीच में एक्ट कर रहा है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल के बीच में एक्ट कर रहा है। तो सभी के लिए चार्ज से इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा, चाहे दो प्रोटॉन्स के बीच में हो, चाहे दो न्यूट्रॉन्स के बीच में हो, चाहे एक प्रोटॉन या और एक न्यूट्रॉन के बीच में हो, सभी में ये फोर्स सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 26। 32 फास्फोरस बीटा डीकेस टू 32 सल्फर, ठीक है, बीटा डीके हो रहा है यहाँ पे, तो 32 फास्फोरस से ये बन जा रहा है 32 सल्फर, और साथ में एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज हो रहा है। और ऑब्वियसली जब बीटा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी रिलीज होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है सम ऑफ द एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, मतलब इन दोनों का टोटल एनर्जी कितना है वो हमें निकालना है। तो हम एज्यूम करते हैं कि इन दोनों का मिला के जो एनर्जी है वो है ई, ठीक है, और ये जो दो हैं फॉस्फोरस और सल्फर, इनके एटॉमिक मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को देखते हुए मास डिफेक्ट निकालते हैं। तो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा, मास ऑफ फॉस्फोरस माइनस मास ऑफ सल्फर, इससे हम निकाल सकते हैं मास डिफेक्ट। तो फॉस्फोरस का मास है 31.974 और सल्फर का मास है 31.972, और ये एटॉमिक मास यूनिट में है, तो ये हो जाएगा 0.002 U, ये मास डिफेक्ट है। तो इक्विवेलेंट एनर्जी क्या हो जाएगा, इस मास डिफेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा 0.002 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें पता है कि वन एटॉमिक मास यूनिट का कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.862 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।